हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर आती हूँ जो आपके लिए हेल्दी हो, टेस्टी भी हो और इंस्टेंट रेडी भी हो जाए। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बादाम केसर मिल्क। चलिए बनाते हैं। मैंने ये गैस जला ली है और ये पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें एक कप दूध जो हम लोगों ने लिया है वो हम लोग इसमें डालेंगे। इसमें से हम लोग थोड़ा सा दूध, करीबन इतना, 2 चम्मच के करीब हम लोग बचा लेंगे। अब हम लोग इसमें चीनी डालेंगे। एक बड़ा कप दूध लिया था जो कि करीबन 300 ग्राम था, तो इसमें हम लोग 3 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा आप लोग थोड़ी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम लोग इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम लोगों ने जो 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, उसको, जो हम लोगों ने 2 चम्मच मिल्क बचाया हुआ है, उस मिल्क में हम लोग इस कस्टर्ड पाउडर को फेंट लेंगे और फिर इस मिल्क में हम लोग ऐड करेंगे। ये हमने बाउल में वो जो 1 चम्मच कस्टर्ड लिया था वो और मिल्क ले लिया है। इसको अच्छे से फेंट कर हम लोग अपने, जो हमने दूध उबल रहा है हम लोगों का गैस पर, उसमें इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, जिससे इसमें जो हमारे मिल्क में थिकनेस आ जाएगी बहुत अच्छी। इसमें ये डाल दिया है। अब हम लोग इसको चलाएंगे। करीबन 10 मिनट हम लोगों को मिल्क को इसी तरह से चलाते रहना है। देखिए केसर का कलर अपना छोड़ने लगा है और हम लोगों का मिल्क येलो होने लगा। अब हम लोग दूध, हम लोगों का स्लो फ्लेम पर होता रहेगा। अब हम लोगों ने जो बादाम लिए हैं उनको छील कर हम लोग जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा उसमें हम लोग ग्राइंड करते समय पानी डाल लेंगे, जिससे वो अच्छे से पिस जाएगा। तो चलिए हम लोग बादाम को ग्राइंड करते हैं। ये बादाम को ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में और इसका एक फाइन पेस्ट रेडी हो गया है। इस पेस्ट को हम लोग मिल्क में ऐड कर देंगे, जिससे ये बादाम का पेस्ट भी मिल्क के साथ पक जाएगा, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। इस तरह धीरे धीरे डालकर हम लोग मिक्स करते जाएंगे। और अभी हम लोगों को गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है ताकि ये दूध उबल कर बाहर ना आए। इस तरह से हम लोग मिक्स करते जाएंगे। देखिए थिक होने लगा है। साइड्स में जो मलाई जम रही है उसको हम लोग निकाल के बीच में करते जाएंगे। ये देखिए हम लोगों का दूध है ना, बहुत अच्छे से उबलने लगा है और बादाम भी पककर रेडी हो गया है और जो हमारा मिल्क है वो थोड़ा सा थिक भी हो गया है। देखिए इसकी एक लेयर बनने लगी है। अब हम लोग गैस को करेंगे बंद और इसमें जो हम लोगों ने इलायची पाउडर लिया है वो हम लोग इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद में इलायची पाउडर डालेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको 1 घंटे के लिए
फ्रिज में रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए वेट करते हैं। हम लोगों का मिल्क रूम टेम्परेचर पर आ गया है। ये मैंने 2 कप लिए हैं, इनमें मैं सर्व कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसको पहले रखते हैं हम लोग फ्रिज में। हम लोगों का बादाम केसर मिल्क ठंडा हो गया है, मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम लोग ये ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो हम लोग थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स इस पर डालेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। थोड़ा इलायची पाउडर हमने बनते समय डाल दिया था और थोड़ा अब डालेंगे। टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और हम अपने गेस्ट को भी इसको दे सकते हैं और खुद भी पीकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की बादाम केसर मिल्क की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए और मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।